हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मठरी, जिसके लिए मैंने चावल का आटा लिया है, एक बड़ी कटोरी मैदा लिया है। यह हमारा चावल का आटा है जो कि मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। अजवाइन है, नमक है और रिफाइंड ऑयल है। आप चावल का आटा मार्केट से ले सकते हैं पिसा हुआ, देखिए। और इस छोटी कटोरी जो है, मैंने ये चार कटोरी लिया था, छोटी, बहुत ही छोटी कटोरी है, और दो कटोरी ये चावल का आटा लिया था। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने मैदा डाला है और चावल का आटा डालेंगे इसमें। चावल का आटा मैंने इसलिए डाला है कि हमारी मठरी जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, इसलिए मैंने इसमें चावल का आटा मिक्स किया है। इसमें अजवाइन डालेंगे, नमक डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग, और जो मैंने एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया था मोहन लगाने के लिए, वो हम इसमें डालेंगे। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से, जो मैंने यहाँ पर रिफाइंड डाला है, उसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका अच्छा सा डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमें डो को ज़्यादा ढीला नहीं करना है, हमको इसको टाइट ही गूंदना है। ये देखिए, हमारा डो तैयार हुआ हो गया है। इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने इसमें चावल का आटा मिलाया हुआ था तो थोड़ा सा ये फूलेगा। इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। ये देखिए, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। हम इसकी छोटी छोटी बॉल बनाकर इसको बेल लेते हैं। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी, उसमें ऑयल डाल दिया है। ये मैंने छोटी छोटी पूड़ियाँ बना ली हैं, इनको हम कांटे की मदद से दोनों तरफ से इसमें छोटे छोटे होल कर देते हैं, ताकि ये हमारी मठरी है जो फूले नहीं। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है, और मीडियम फ्लेम पर इसको हम धीरे धीरे से सेकेंगे। ये देखिए, मैंने एक एक करके इसमें डाल दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा और इसको एक एक करके हम पलट लेते हैं। ये देखिए, हमारी मठरी जो है वो सिक चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, गैस के फ्लेम हाई नहीं रखना है। ये देखिए, हमारी मठरी जो है बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही क्रिस्पी है। तो फ्रेंड्स, इसको एक बार ज़रूर बना के देखिए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसको आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं।